हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सेशन। आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। एंड गाइस, कल आपके हम मेरे और माधव सबके सपोर्ट के थैंक यू सो मच। बट आई अगेन रीटरेट दैट अगर ये सेशन आप देखते हैं तो आपको जो प्रिपरेशन है एसबीआई क्लर्क मेंस की वो पूरी हो जाएगी। सो आज चलिए शुरू करते हैं। तो माधव सर, स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। आई होप आज हम दोनों की आवाज स्टार्टिंग से ही बिल्कुल सही है। तो हमने पहले इस चीज को सॉर्ट आउट कर लिया था कि कल की तरह आज हम उस टाइम को वेस्ट ना करें। सो आई होप वी बोथ आर ऑडिबल एंड एज वेल एज विजिबल टू यू। अगर सब सही है तो एक बार टाइप कर दो यस सर, यस सर, यस सर, ताकि फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करें। जल्दी से टाइप करिए बिकॉज यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करना है, 100 क्वेश्चंस कराने हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं जल्दी से सब लोग सर। और हाँ, एक और चीज, everyone फटाफट कॉपी द लिंक एंड प्लीज शेयर द वीडियो ऑन टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां जहां पर भी है फैला दो बिकॉज ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मास्टर स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा मंथ है वैसे? आज जून। हाँ, तो आज जून है। कल मई कंप्लीट किया हमने, अगर आपने नहीं देखा है कल देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। June 1 is observed as the World Milk Day with the aim to raise awareness about milk and its importance as a global food. What is the theme of this particular day? बहुत ही उम्दा सवाल है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है जागरूकता फैलाना दूध के महत्व के बारे में। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। एंड द आंसर इज, बहुत लोग आंसर आ रहा है, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। With ministry in partnership with TCS ION offers free online career skill training through the National Career Service project. तो National Career Service project के तहत किस ministry ने tie up किया है TCS के साथ to offer free online career skills? तो जैसा कि मैं बता सकता हूँ कि skills word आ गया, तो यहाँ से आप काफी ज्यादा आइडिया लगा पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। स्किल ट्रेनिंग रिलेटेड है, तो स्किल ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं हम किस पे बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्किल ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए स्किल ट्रेनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जल्दी से मुझे बता दीजिए, लेबर मिनिस्टर कौन है आपकी कंट्री के? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, जो कि पहले टर्म थी एचआरडी मिनिस्टर, सोशल जस्टिस मिनिस्टर, एमएसएमई मिनिस्टर और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। जल्दी से टाइप कीजिए पांचों के पांचों ऑप्शंस। मैं एक एक करके आपको सबके आंसर दे देता हूं। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? आंसर आपको मेरे पास नहीं सर, मेरे पास कमेंट्स बहुत स्लो है। भैया ग्रेड अप का नारा है, 500 लाइव कराना है ना? आकाश लिख भी रहे हैं, तो एवरीवन फटाफट शेयर कर दो। सर आंसर आ गए, पहले का आंसर आ गया रमेश पोखरियाल निशंक, सेकंड का संतोष कुमार गंगवार, थर्ड का थावर जी मतलब थावर चंद गहलोत, और फोर्थ का नितिन गडकरी साहब, ठीक है, और फिफ्थ का आंसर आ गया आपका महेंद्र नाथ पांडे। पांचों आंसर्स आ गए। आई होप सारे के सारे आंसर्स क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the chief executive officer of India's apex food regulator FSSAI, also known as Food Safety and Standards Authority of India? कौन है इसके मुख्य कार्यकारी? तो यहाँ आंसर दिखा देते हैं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, अरुण सिंघल। गाइज, यहाँ पर मेरा आपसे पहला सवाल है, अभी इसी अथॉरिटी ने फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया था, उस इंडेक्स में आपका नंबर 1 स्टेट कौन सा है? जल्दी बताइएगा। Which state is the number 1 in the food safety index? Absolutely correct guys, it's Gujarat, जो कि आपका नंबर 1 पे है। फूड से याद आया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं इस साल, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसने 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं? उसका आंसर है FAO। फूड से एक और बात याद आई कि अभी इस साल नोबेल प्राइज मिला है, पीस प्राइज मिला है एक ऑर्गेनाइजेशन को जो कि फूड पे ही फोकस करता है। वो प्राइज किसको मिला है? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज द वर्ल्ड फूड प्राइज। ऑप्शन पे चलें तो यहाँ पर मेरे को आप बताओ कि इनमें से, हाँ चलो ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? जल्दी बताइए। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? व्हाट इज द डे? 200 लोग हो गए हैं, फटाफट वीडियो को शेयर करो यार, हमें 500 आज क्रॉस करना है। आंसर आ गए सर, आंसर आ गए जून 7। कई लोग आंसर कर रहे हैं। 16 अक्टूबर नहीं होगा बेटा, दैट इज 16 अक्टूबर इज वर्ल्ड फूड डे। हाँ, सवाल सुनिएगा, सवाल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, तो सर 7 जून आ गया। What is the theme of Global Day of Parents 2020? Global Day of Parents 2020 की थीम क्या है? और उसके साथ साथ मुझे ये भी चाहिए कि ये डे कब मनाया जाता है। So what is the theme? The theme is व्हाट इज द थीम गाइस? जल्दी से आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई और जल्दी से सेशन को शेयर करो गाइस। आज जैसा कि कुछ सर ने कहा 500 प्लस लाइव तो होना ही चाहिए आज का सेशन। जल्दी से शेयर करो। आंसर आ गया। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। और अगर हम बात करें इस डे को कब मनाया जाता है, व्हाट इज द डे, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर आ गया 1st June। दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। चलिए, which scheme has been launched by the union government to provide affordable loans to street vendors? बहुत important वाला सा सवाल है ये। केंद्र सरकार द्वारा सड़क विक्रेताओं को किफायती ऋण प्रदान करने हेतु कौन सी योजना शुरू हुई है? इसका आंसर दिखा दी। इसका आंसर है पीएम स्वानिधि, दैट इज पी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्कीम है ये आपका। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इस स्कीम में कितना वर्किंग कैपिटल का लोन मिलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कौन सा स्टेट मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेशन किया है। थर्ड क्वेश्चन है किस पोर्टल के साथ टाई अप किया है पीएम स्वानिधि में फॉर प्रोवाइडिंग दिस, एंड किस बैंक के पोर्टल के साथ टाई अप किया है फॉर ग्रांटिंग द कैपिटल लोन्स। तो चार सवाल आपके हैं। तो पहले का आंसर बिल्कुल सही है 10,000 रुपीज, सेकेंड का आंसर है आपका मध्य प्रदेश, थर्ड का आंसर जो आपका है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज स्विगी, एंड लास्ट का आंसर है इट इज द एसबीआई ई मुद्रा पोर्टल, उसके साथ आपका ये टाई अप किया गया है। एक सवाल और बनता है माधव सर यहाँ पर, What is the total rate of interest? 7% तो आपको पे करना है जो कि आपका डिस्काउंट, पर टोटल इंटरेस्ट कितना यहाँ पर आपको पे करना है? 7% आफ्टर सबवेंशन है ना? Yes, आफ्टर सबवेंशन है, तो कितना है? हाँ ठीक है, 12% है। कई लोगों ने आंसर नहीं दे पाए, ठीक है, इट्स 12%। और एक चीज और, ये जो लोन है ये विदाउट कोलेट्रल है, और दूसरी चीज अगर आप इसको टाइमली पे करते हैं तो नेक्स्ट ईयर यू विल बी एलिजिबल फॉर 20,000 रुपीज ऑफ लोन नेक्स्ट ईयर। अगर आप इसे एक साल में कंप्लीट पे बैक कर देते हैं इन टाइम, तो नेक्स्ट ईयर यू विल बी एलिजिबल फॉर 20,000 लोन विदाउट कोलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हिच एंटिटी हैज डेवलप्ड अ डिसइंफेक्शन यूनिट कॉल्ड अल्ट्रा स्वच्छ? अल्ट्रा स्वच्छ जो कि एक डिसइंफेक्शन यूनिट है, इसे डेवलप किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आंसर गाइस? आंसर इज डीआरडीओ। The answer is DRDO, Defense Research Development Organization। एक चीज मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा, COVID-19 से रिलेटेड IITs ने काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स, काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे कवर करें, और मैं कोशिश भी करूंगा कि अगले आने वाले सेशंस में हम आपको एक लिस्ट दे दें। हम दोनों ही इस बात पे काम कर रहे हैं कि आपको एक लिस्ट दे दें, ताकि उस लिस्ट को आप पढ़ें और अपने एग्जाम में जो भी IIT रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप आंसर कर पाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। Which entity has launched real-time electricity market to help discoms plan their power requirements? किस इकाई ने डिस्कॉम की उनकी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने हेतु रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट लॉन्च किया है? आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स ऑप्शन सी, दैट इज द IEX। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाइड्रोजन बसेस को लॉन्च किया था। इट हैज लॉन्च हाइड्रोजन बसेस। This organization also guys has launched a renewable subsidiary, उसका नाम क्या है? Absolutely correct, it is NTPC, that is absolutely correct। आगे बढ़ते हैं सर। Which of the following banks has acquired 24.19 stake in direct to home television service provider Dish TV India Limited? Dish TV India Limited के 24.19% स्टेक्स को, शेयर्स को किस बैंक ने ओवरटेक किया है? तो उसका आंसर क्या होगा? The answer for this question is Yes Bank। Absolutely correct, the answer is Yes Bank। इसके साथ साथ आप याद रखना होगा Yes Bank loan in seconds। याद रखिए Yes Bank ने टाई अप किया है SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ, as well as with ICICI Lombard to distribute to sell the insurance policies, बैंक का इंश्योरेंस की सर्विस के लिए। एक्सिस बैंक न्यूज में था, बिकॉज ऑफ एक्सिस बैंक न्यूज में था लिबर्टी सेविंग अकाउंट की वजह से, सुना होगा आपने। HDFC बैंक के नए CEO अपॉइंट हुए। HDFC बैंक ने टाई अप किया एडॉप्ट के साथ। ICICI के बारे में एक चीज मैंने कल बताई थी, होम उत्सव, अब आज बता रहा हूँ सैटेलाइट डेटा को यूज करेगा फॉर एग्रीकल्चर लोन। बंधन बैंक की बात करें तो EEB, दैट इज इमर्जिंग एंटरप्राइजेस बिजनेस, एक नया वर्टिकल लाया गया है बंधन बैंक द्वारा, जिसके हेड बनाए गए हैं कुमार आशीष। आई गेस पांचों की पांचों चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। A famous printer Bobby Morrow has passed away. He was from which of the following country? इनमें से किस देश के प्रसिद्ध धावक थे आपके बॉबी मरो? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा। 280 people are watching right now. Let's first cross 300. Yes, the answer is it's option D, that is the US। अब अगर यहाँ ऑप्शंस की बात करें गाइस, तो सवाल मेरा पहला है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, रफाल जेट किसने इंडिया को दिया है? मतलब ये सवाल तो इतना आसान है कि एवरीवन वुड बी एबल टू आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज फ्रांस, नंबर वन। नंबर टू, कौन सा बेस स्टेशन है इंडिया में आपका रफाल का? द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज अंबाला। क्वेश्चन नंबर थ्री, यानी सवाल बहुत टेढ़ा है, इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। Who has become the first woman pilot to fly this particular jet? वो first woman pilot कौन बनी है जो इसको fly करेंगी? इसका आंसर दीजिएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, that is absolutely correct, it is शिवांगी सिंह, that is absolutely correct, शिवांगी सिंह बिल्कुल सही आंसर है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर यूएस की बात करेंगे। Who is the running mate for Joe Biden in this elections? उनका नाम क्या? बिकॉज वो काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स कमला हैरिस, जो कि उसकी आपकी बनी है। और आखिरी सवाल यहाँ पर बनेगा, रिसेंटली मलाबार एक्सरसाइज हुआ जिसमें यूएसए, इंडिया और जापान रहता है, उसमें किस पर्टिकुलर कंट्री को ऐड किया गया है? उसका आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। वर्ल्ड बाइसिकल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? लॉकडाउन में तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? The answer for this question is absolutely correct, guys. It's 3rd of June. It's absolutely correct, 3rd of June. 1st June को अभी हमने बात की थी मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है, ये बात हम इसी क्लास में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the name that has been given to the fast-moving depression in that? What was the name? अब तो इस क्या होगा? Was होगा। For depression in the Arabian Sea which intensified into a severe cyclone. उस अरब सागर में तेजी से बढ़ते हुए अवसाद का क्या नाम था? उसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, दैट इज आपका निसर्ग, दैट इज द करेक्ट आंसर। कई लोगों ने अम्फन कहा था, अम्फन नहीं है, अम्फन दूसरी ओर है। अम्फन आपका बंगाल, उड़ीसा में आपका आया है। हुदहुद भी नहीं होगा, हुदहुद इज सो ओल्ड टाइम, इस साल तो हुदहुद की बात नहीं, इस साल तो निसर्ग आया है और आपका अम्फन आया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, रिसेंटली हाउ मेनी नेम्स हैज बीन गिवन बाय द आईएमडी फॉर साइक्लोन्स? कितने नाम आईएमडी ने दोस्तों दिए हैं साइक्लोन्स के? दैट इज माय क्वेश्चन गाइस, कितने नाम दिए हैं? आई विल गिव यू ऑप्शंस। और क्या बात सर, माधव सर, मानना पड़ेगा, पीपल हु आर अटेंडिंग दिस बैच ना, दे विल सक्सीड, बिकॉज सवाल पूछे तरह से आंसर आया 169। आपको थोड़ा स्लो आ रहा होगा, मैं मान सकता हूँ, मेरे पास आंसर स्लो है, मैं समझ रहा हूँ, पर 169 आंसर आया है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड 3-time कांग्रेस एमपी पी नमग्याल passed away recently. He was from which state or UT of India? तो 3-time कांग्रेस एमपी रह चुके हैं, पी नमग्याल पास जो वे रिसेंटली, देहांत हुआ उनका हाल ही में, तो किस स्टेट या यूटी से थे? तो उसका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, मेरे पास आंसर्स 2 आ रहे हैं, एक जेएनके आ रहा है और एक लद्दाख आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख। अगर ये बाइफिकेशन ना हुआ होता तो आंसर ऑब्वियसली स्टेट जेएनके बनता, लेकिन अब बाइफिकेशन हो गया, इसी वजह से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रह सकता है। लद्दाख का कन्वीनर बैंक मैंने आपको कल भी बताया था, एसबीआई, जेएनके का कन्वीनर बैंक जेएनके बैंक, ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Who is the author of the book The Great Indian Tea and Snakes, for which she bestowed with the Commonwealth Short Story Prize for Asia region? यहाँ पर मैं अपडेट कर दूं, शी हैज नॉट ओनली वन फॉर द एशिया रीजन, शी हैज आल्सो वन दिस अवार्ड फॉर द ग्लोबल रीजन एज वेल, बिकॉज ये सवाल जून का है, बट इन जुलाई व्हेन द अवार्ड्स वर गिवन, शी वाज गिवन फॉर द ग्लोबल लेवल। एब्सोल्युटली करेक्ट, द आंसर इज इट्स ऑप्शन डी, दैट इज कृतिका पांडे। क्योंकि हम बुक्स की बात कर रहे हैं, कुछ बुक्स के अवार्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेरा सवाल आपसे है, रिसेंटली द करंट ज्ञानपीठ अवॉर्डी हैज पास्ड अवे, व्हाट इज हिज नेम? वो एक पोएट है, मलयालम पोएट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज अकित्तम नंबूदरी। क्वेश्चन नंबर 2, who has been awarded the International Booker Prize? नेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है फॉर अ बुक दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, पब्लिश्ड इन यूके। उनका उस पर्टिकुलर लेडी का नाम क्या है? एंड यस, रेने वर्ल्ड है, बिल्कुल सही, अगर आपको इतना ही पता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लेडी? एंड उसका आंसर है आपका लुई क्लर्क। वुमेन पा है, तीनों ही आपकी वुमेन है, उनको ये दिया गया है। अगर आगे बढ़े तो 2-3 सवाल और बनेंगे, जैसे कुछ फेमस बुक्स, वन अरेंज मर्डर बाय चेतन भगत, द लेजेंड ऑफ सुहेल देव बाय मिस्टर अमिश त्रिपाठी, सॉन्ग ऑफ इंडिया बाय रस्किन बॉन्ड, ऐसे सवाल भी एग्जामिनेशन में आपके आ सकते हैं। ये सवाल रेलिवेंट हैं और इम्पोर्टेंट हैं। आप बिल्कुल सही, हर्षिल, वेल डन। बर्न शुगर जिसको किया गया शॉर्टलिस्ट, अवनी दोषी, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक और पूछ लो सर, डॉक्टर उर्जित पटेल ने जो लेटेस्ट बुक लिखी है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आप एग्जाम विरलाचार्य को भी ऐड कर दो, उनकी बुक भी आई है। दोनों एक डिप्टी गवर्नर थे और गवर्नर थे, विरलाचार्य। बहुत अच्छा सवाल है। उर्जित पटेल की बुक का नाम क्या है? एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। आपका ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एंड विरलाचार्य इंडियन सेवा द क्वेस्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दोनों आंसर आ गए सर? हाँ आ गया। Has assumed the office as the president of CII for 2021. तो CII के 2021 के लिए प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब तो नेक्स्ट टेन्योर के लिए भी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, तो उस पर भी बात कर लेंगे। तो अगर हम बात करें इस बार की, तो 2021 के लिए किसकी अपॉइंटमेंट की गई? Obviously CEO of Kotak Mahindra Bank and the name is Uday Kotak. अब मैं जानना चाहता हूँ कि 2021-22 के लिए प्रेसिडेंट की पोजीशन पे, सीआईआई के प्रेसिडेंट की पोजीशन पे किसे नियुक्त किया गया है, किसकी अपॉइंटमेंट की गई? जल्दी से नाम बताएं। गाइस यार नाक मत कटवाओ यार, 320 लोग देख रहे हो। वी हैव अ टारगेट ऑफ 500। अब तो आकाश भी लिख रहे हैं, ग्रिड अप का नारा है, 500 कराना है। तो एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। हाँ सर, आंसर आ गया, टीवी नरेंद्र। चलिए, who has been named as the new chairman of BAFTA, that is British Academy of Film and Television Arts. यार ऑप्शन आप देख लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन बन सकता है। मतलब इतना तो I am expecting. It's a very calculative guess that you can answer, that you can give. Yes, the answer is it's option B, that is Krishnendu Majumdar. That is absolutely the correct answer. अभी एक सीरीज आई है आपकी मसाबा मसाबा. It is based on a mother and a daughter. What is the name of that mother जिसके ऊपर मसाबा मसाबा करके एक सीरीज नेटफ्लिक्स पे आई है? Absolutely correct. It is आपका ऑप्शन D. That is नीना गुप्ता। उनकी बेटी है मसाबा और उनके ऊपर ये सीरीज। सर BAFTA अवार्ड्स भी पूछ लो। हाँ हाँ बिल्कुल। 73rd BAFTA अवार्ड्स, बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। मूवी का आंसर आ गया 17 एंड सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस। ये आसान है इसीलिए पूछा क्योंकि इसको रिलेट कर दूंगा मैं 92nd ऑस्कर अवार्ड के साथ। मूवी का आंसर 1917। यस। बेस्ट डायरेक्टर, एक सेकेंड, डायरेक्टर का आंसर नहीं पता, बता दीजिए। नो वन हैज आंसर्ड। बेस्ट डायरेक्टर बहुत बार करवाया मैंने अपनी हर क्लास में से 3-4 आगे वाकिल फिनिक्स एंड डायरेक्टर में कह रहे हैं सैम मेंडिस। बिल्कुल सही, सैम मेंडिस डायरेक्टर 1917 के ही, ये भी याद रखिएगा। रेने जेल्वेगर बेस्ट एक्ट्रेस, ब्रैड पिट सपोर्टिंग एक्टर। उसके बाद अगर हम बात करें तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस लास्ट बचा जल्दी से। जूडी के लिए तो उनका अरेंज जेल्वेगर फॉर जूडी, ये आंसर है फ्रॉम मैरिज स्टोरी से। लॉरा टर्न। अगर मैं ऑस्कर अवार्ड्स की बात करूं, बस ये दोनों चेंज होंगे, पैरासाइट और पैरासाइट के डायरेक्टर, बाकी सब कॉमन है। डायरेक्टर का नाम 92nd ऑस्कर अवार्ड्स। और अगर हम बात करें BAFTA 73rd BAFTA अवार्ड्स, सिर्फ बेस्ट मूवी और बेस्ट एक्टर में, बेस्ट डायरेक्टर में ही डिफरेंस है, बाकी सब कॉमन है। बेस्ट डायरेक्टर का नाम बता दीजिए जल्दी से, क्विकली। Devrala, we are discussing in both the languages, English and Hindi. Don't worry, it's a pan-India show. It's a show catering to everyone. All right, so just be a little bit comfortable with the entire content. English में भी है, Hindi में भी है. All right, let's proceed, sir. Which state occupied the first rank in the COVID-19 Management Index, analyzed by 10 states by the Ministry of Home Affairs, Government of India? तो COVID-19 को सॉल्व करने के लिए, उसे झेलने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए 10 स्टेट्स को एनालाइज किया गया। वही स्टेट जिसपे इसका स्प्रेड सबसे ज्यादा था, उनमें से सबसे बेटर परफॉर्म करने वाली स्टेट कौन सी थी? बिल्कुल सही, राजस्थान इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। इंदिरा रसोई योजना याद रखिए, राजस्थान से रिलेटेड। आवास याद रखिए, राजस्थान से रिलेटेड। गुजरात के अगर हम रैंक की बात करें तो गुजरात वॉज ऑन द फर्स्ट रैंक इन टर्म्स ऑफ सोलर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। उसके साथ साथ अगर हम बात करें स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग में भी गुजरात वाज ऑन दी फर्स्ट रैंक। स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग में भी गुजरात वाज ऑन दी फर्स्ट रैंक। The World Environment Day is celebrated every year on 5th of June. What is the theme of the World Environment Day? It's a very easy question, guys, and the answer is let's have the answer. It's option C, that is celebrating biodiversity. My first question here is that which are the two countries which are the host nations of this day? Yes, the answer is Germany and Colombia. Question number 2. On this particular day, a very ambitious scheme was launched by Prakash Javadekar, the Minister of Earth, Forest and Climate Change. What is the name of that particular theme? Absolutely correct. It is urban forest or yes, urban forest scheme ko launch kiya hai. And the third question is how many forests will be set up in the next 2 years as per the government? Yes, it's urban forest ya Nagar one. Kitne forest ko isme doston aapka add kiya jayega? What is that particular? Yes, the answer is it's 200. Prakash, aap 4G ka use kar lo, aapko lagataar rehna hai. Yes, sir. Who has been appointed as the ambassador to the permanent mission for India at the WTO in Geneva? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, तो इंडिया की तरफ से एज अ परमानेंट मिशन फॉर इंडिया के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी ऑप्शन मुझे आंसर मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। बी नवनीत इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन और आ जाता कि ये जो नाम लिखा राजीव टॉपनो, ये किस बैंक से रिलेटेड है? So he is related with, he is the senior advisor for the executive director of World Bank. तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में सीनियर एडवाइजर टू इकोनॉमिक इकोनॉमिक डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF की अपॉइंटमेंट भी की गई है। उनका क्या नाम है? एस दाश इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं, ये दोनों एक दूसरे के काउंटर हो गए, वर्ल्ड बैंक IMF और ये हो गया WTO। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following state UT government has launched a salary tracker mobile app मेरा वेतन for the government employees? निम्न में से किस राज्य किस प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वेतन ऐप जो है उसको लॉन्च किया है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट्स ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। JNK पे सवाल बनेंगे। सवाल पहला बनेगा which item has been given a GI tag from Jammu Kashmir? First question बनेगा। Second question बनेगा, बहुत ही आसान question बनेगा। Second question, which system has been implemented yesterday, guys? एक दिन पहले implement हुआ है। Second सवाल बनेगा। Third question बनेगा, which particular production center for the first time has been launched in Jammu Kashmir? तो पहले का आंसर है कश्मीरी सैफरन, सेकंड का आंसर है आपका पंचायती राज सिस्टम, थर्ड का जो आंसर है दैट इज कैनबीस, उसका प्रोडक्शन सेंटर आपका जम्मू कश्मीर में ही दोस्तों आपका बनने वाला है। दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। सर बैम्बू भी बता दो। हाँ बैम्बू भी, बिल्कुल बैम्बू का भी प्लांट वहां पर कठुआ में आपका बनेगा। कठुआ सिटी का नाम है, कठुआ प्रोडक्ट का नाम नहीं है। कठुआ में आपका बैम्बू का बनेगा एंड बैम्बू इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी आर नेट इम्पोर्टर्स, वी वांट टू बी नेट एक्सपोर्टर्स। Which of the following countries has hosted virtual global vaccine summit 2020? जो वैक्सीन समिट थी, ये समिट ऑर्गेनाइज की गई, किस कंट्री ने इसे होस्ट किया? इस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने $15 million प्लेज किए फॉर दिस इनिशिएटिव फॉर द ग्लोबल वैक्सीन इम्प्लीमेंटेशन, फॉर द ग्लोबल वैक्सीन प्रोडक्शन एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसे होस्ट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ने इसे होस्ट किया। जल्दी से उनका नाम भी टाइप कर दीजिए और उसके साथ साथ नेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एज वेल। दोनों के आंसर दे दीजिए जल्दी से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। तो आंसर क्या होगा? बोरिस जॉनसन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बोरिस जॉनसन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। शेयर द वीडियो यार, वी हैव टू क्रॉस 400 इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। क्विकली शेयर द वीडियो। योशिहिदे सुगा इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन। Renowned personality Anwar Sagar has passed away. He was a veteran war. प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का हाल ही में देहांत हुआ है, वह दोस्तों इनमें से क्या थे? And the answer is, let's have the answer, guys. He was. Let's have the answer, guys. It's option D. He was a songwriter and he has basically passed away. सरोज खान का भी देहांत हुआ था 3 महीना पहले। सरोज खान इनमें से क्या है? Absolutely correct. She was a very famous choreographer. उनका देहांत हुआ था। Similarly, एक रोड मूवी आई थी, उसके डायरेक्टर हैं, उनका देहांत हुआ है। उनका नाम क्या है? जल्दी बताइएगा, मैंने सवाल थोड़ा तिरछा कर दिया है। उन डायरेक्टर का नाम क्या है? द डायरेक्टर ऑफ द मूवी रोड हु बेसिकली पास्ट अवे। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है आपका रंजीत, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं सर। Who has been awarded with the prestigious World Food Prize 2020? तो World Food Prize हाल ही में किसे दिया गया? Important है क्योंकि इंडियन अमेरिकन इंडिविजुअल है जिन्हें अवार्ड दिया गया, तो उस हिसाब से क्वेश्चन काफी रेलेवेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसका आंसर क्या होगा? World Food Prize 2020 has been recently given to whom? The answer is absolutely correct. He is Ratanlal. He is the Indian American based scientist जो कि food related, उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च की है, काफी ज्यादा उनके हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे अपने रिसर्च सबमिट किए रिलेटेड टू द फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी एंड ऑल। तो रतनलाल इज द विनर ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हिच आईटी कंपनी हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द समर ऑफ आइडियाज इनिशिएटिव फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड एंड ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम? किस आईटी कंपनी ने दुनिया भर के विश्वविद्यालय छात्रों के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम समर ऑफ आइडियाज पहल की शुरुआत की है? विप्रो, इन्फोसिस, Tech Mahindra, Tata Consultancy Services, or is it HCL Technologies? And let's have the answer. The answer is it's option B. अब यहाँ पर कई सवाल बनेंगे। पहला सवाल बनेगा Thierry Delaporte is the new CEO of which of the following? The answer is Wipro. Question 2 बनेगा which of the following companies has tied up with Niti Aayog for women entrepreneurship platform? The answer is आपका option C, Tech Mahindra. Question 3 बनेगा रश्मि नादर मल्होत्रा is the new chairman of which of the following organization? The answer is it's HCL Technologies. बिल्कुल सही आपका ये जवाब है। Which state government has launched Panchvati Yojana for the senior citizens for rural areas of the state? स्टेट के रूरल एरियाज के सीनियर सिटीजन के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है पंचवटी योजना। पंचवटी योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? व्हाट विल बी द आंसर? The answer for this question is, I'm getting the answer Himachal Pradesh. हाँ सर, HPR. The answer is absolutely correct, guys. It's Himachal Pradesh. तो याद रखिए पंचवटी योजना सीनियर सिटीजन विद स्टेट, इट्स हिमाचल प्रदेश। Which state government has decided to rename the state's environment ministry as Environment and Climate Change Ministry? इस राज्य की सरकार ने राज्य के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। इसका आंसर बहुत ही आसान है, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र। अब मेरे को जल्दी से बताओ यार, महाराष्ट्र में एक फ्लड फोरकास्टिंग पोर्टल या फ्लड फोरकास्टिंग एक उन्होंने सिस्टम लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? बिल्कुल सही, दैट इज आई फ्लोस, वो उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 2, महाराष्ट्र के जो गवर्नर है ही हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज टू व्हिच स्टेट? आंसर है आपका गोवा, जहां से जो एसएनआरया है ही हैज बीन शिफ्टेड टू मेघालय। क्वेश्चन 3 बनेगा आपका फगली महोत्सव इनमें से किस स्टेट का है? The answer is Himachal Pradesh. Sohrai painting that has been given a GI tag कौन से state का है? The answer is Jharkhand. And बहुत ही आसान सवाल है, HAC के कल डिस्कस किया था हमने, HAC के इनमें से किसका एक साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर है? And the answer of that question is it is Karnataka. Guys एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, yes 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 yes, and जल्दी से शेयर कीजिएगा, हमें 400 तो पहुंचना है भाई। Who has been chosen for the Medal of Honor ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया के एक रनाउंड हम कह सकते हैं सिविलियन अवार्ड के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए किसे चुना गया? व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, शोभा शेखर। शोभा शेखर की अगर हम बात करें, रिलेटेड विद व्हिच फील्ड, किस फील्ड से रिलेटेड है? क्या आंसर होगा? Related with which field? जल्दी से बताएं। Is it music or dance? Is it music or dance? What will be the answer? She is related with which field? The answer for this question is singer, 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 singer. Absolutely correct. चलो, आगे बढ़ते हैं। The World Day Against Child Labour is being observed annually across the world on June 12th. What was the theme of the World Day Against Child Labour 2020? दुनिया भर में प्रतिवर्ष 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस इनमें से इसका विषय क्या है? देखो सारे में कोविड-19 है तो वो तो नहीं होगा। The answer is absolutely correct. It's option A, that is COVID-19, protect children from child labor now more than ever. यूपी गवर्नमेंट ने इसी दिन एक स्कीम लॉन्च की थी, शायद आपको याद होगा, बाल श्रमिक योजना। 1000 रुपीज फॉर द बॉयज, 1200 रुपीज पर मंथ फॉर द गर्ल चाइल्ड अगर वो स्कूल अटेंड करते हैं, मिड डे मील प्रोविजन ताकि ड्रॉपआउट स्कूल ड्रॉपआउट्स कम हो और चाइल्ड लेबर को ओवरकम किया जाए। एक और क्वेश्चन, नेशनल लेबर डे कब बनाया जाता है? नेशनल लेबर डे नेशनल एंटी चाइल्ड लेबर डे किस दिन मनाया जाता? व्हाट विल बी द आंसर? आंसर आया 1 मई। 1 मई कहां? मैंने पहले लेबर डे बोल दिया, वो मेरी गलती थी। नेशनल एंटी चाइल्ड लेबर डे is observed every year on which date? It's 12th of June. It's 12th of June कह रहे हैं? नहीं, August. It's 12th of August, National Anti-Child Labour Day, और 12th of June is celebrated as World Day Against Child Labour, और 12th of January is celebrated as National Youth Day. In a big boost to the Skill India initiative, National Fertilizers Limited has signed an MOU, Memorandum of Understanding, with which institution? So in order to provide skills to the youth so that youth can be capable or make the youth capable to be the part of the National Fertilizer Limited, तो उसके लिए 12 अलग अलग एरियाज में पैरामीटर्स पे उन्हें स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और इसका टाई अप किया गया पंजाब में। पंजाब में कहा तो अगर हम कहें पंजाब की बाउंड्री दैट इज आई टी आई नंगल के साथ ये टाई अप किया गया। NFL का टाई अप हुआ है फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ सो दैट दे कैन बी इन्वॉल्व इन द NFL or the fertilizer limited companies. Next question. Which Indian institution maintains its top position as the top institution in India in the QS World University Rankings released recently? किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में जारी की गई QS विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत में शीर्षस्थान हासिल किया है? The answer is absolutely correct. It's option A, that is IIT Bombay. क्योंकि हम रैंकिंग की बात करें IITs की, तो इंडिया की जो NIRF रैंकिंग्स हैं उनमें कौन सा IIT नंबर 1 पे है? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स IIT मद्रास। ओके, क्वेश्चन 2, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग्स में नंबर 1 कौन सा है? द आंसर इज आपका IIT बॉम्बे। एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस, अभी ये और ये सवाल मेरे हिसाब से आप लिख लीजिए आई एग्जामिनेशन में, आर्या रैंकिंग्स। The Atal Innovation Mission has launched the ARIA rankings. In the ARIA rankings, which is the number 1 IIT, which is number 1 institute? आर्या रैंकिंग्स में कौन है? Absolutely correct. It's IIT मद्रास again. आगे बढ़ते हैं सर. Whose appointment has been confirmed by US Senate as first African American Chief of Staff of the Air Force? Air Force के Chief of Staff के रूप में first African American Chief की पोजीशन पे अपॉइंटमेंट की गई है by the US Senate. क्या नाम है उनका? The answer is absolutely correct. It's Charles Brown. Answer is absolutely correct. It's Charles Brown. Guys, we are still on 350. I request you all quickly share the link of this session so that we can cross at least 500 live viewers. 950 हो गया है and we are at the half of our session. तो जरा फटाफट आप लोग शेयर कर दो यार, 500 क्रॉस करना है. Who has been honored with NASA Distinguished Service Medal for his administration to NASA? किसे नासा के लिए उनके प्रशासन हेतु नासा विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है? लेट्स हैव द आंसर। द आंसर इज इट्स ऑप्शन सी, दैट इज रंजीत कुमार। यहाँ पर 2 सवाल पूछूंगा, फटाफट आगे बढ़ाएंगे इसको। नासा ने किस कंट्री के साथ टाई अप किया है फॉर फ्यूचर मिशंस ऑन मार्स एंड अदरवाइज? द आंसर इज साउथ अफ्रीका, सांसा के साथ टाई अप किया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोलेगा, नासा का आर्टेमिस मिशन किस साल आपका लॉन्च होगा? द आंसर इज इट्स 2024, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Renowned personality Arjun Charan Sethi passed away recently. He was a veteran. Arjun Charan Sethi का हाल ही में देहांत हुआ है और वो एक अनुभवी पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, जर्नलिस्ट, एक्टर या फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दानवान। इसका आंसर क्या होगा? The answer for this question is absolutely correct. He was a politician. कौन सी स्टेट से थे? He was related with which state? जल्दी से बता दीजिए। अर्जुन चरण सिंह was Arjun Charan Sethi was linked with which state? Belonged from which state? What will be the answer? Jaldi. What is the answer? Odisha. That's it. PhonePe, along with which insurance company, has launched the first of its kind travel insurance, domestic ट्रिप इंश्योरेंस? PhonePe ने इनमें से किस बीमा कंपनी के साथ अपनी तरह का पहला यात्रा बीमा, स्वदेशी यात्रा बीमा शुरू किया है? याद रखिएगा, PhonePe कीवर्ड है। The answer is, let's have the answer. The answer is, it's ICICI Lombard. My second question is, ICICI Lombard has taken over the general insurance business of which company? The answer is Max Bupa. Question number 2. Out of the following, Ayushman Khurana is the brand ambassador of which company? The answer is, it is Bajaj Allianz. आगे बढ़ते हैं। Which state government has launched मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना for the street vendors? तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना? तो इसका आंसर क्या होगा? The answer for this question is absolutely correct. It's Madhya Pradesh. It's the same state जिसने लॉन्च किया मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। 4,000 रुपए प्रति फार्मर को दिए जाएंगे इन एडिशन टू दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो उसी के साथ इसे भी लिंक किया गया, तो 10,000 रुपए प्रति फार्मर को इस स्टेट में दिए जाएंगे अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सवाल है। गारसाण और गैरसाण हैज बीन फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस स्टेट का है? आंसर दे दीजिए। आंसर है आपका उत्तराखंड। गाइज, आपको लगातार शेयर करना है। आंसर है आपका उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग फांग लाप्सो फेस्टिवल कहां पर हुआ? Absolutely correct, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 3, उरुदोई आपका स्कीम विच इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उरुदोई स्कीम आपकी कौन से स्टेट में है? दैट इज असम। कितना पर मंथ उसमें मिलेगा सपोर्ट? 830 रुपीज। एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइज, प्राणवायु प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन द कैपिटल सिटी ऑफ विच स्टेट? द आंसर इज, इट इज कर्नाटका। और एक सवाल जो मेरे हिसाब से आएगा एग्जाम में, पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेटरी एंड पहला आपका लिकन पार्क इनमें से कहां बनेगा? द आंसर इज, इट्स उत्तराखंड अगेन। आगे बढ़ते हैं। प्राणवायु वेंटिलेटर भी पूछ लो सर। हाँ, अगर प्राणवायु प्रोग्राम बैंगलोर में हुआ है तो वेंटिलेटर किसने बनाया है? प्राणवायु। जल्दी से बताएगा, इट्स एन आईआईटी, विल गिव यू अ हिंट, बट जल्दी बताइए। गाइस 340 पीपल हो गए हैं, वी हैव टू जस्ट क्रॉस 160 पीपल। दबा के वीडियो शेयर करो। प्राणवायु वेंटिलेटर की बात हो रही है, आईआईटी रुड़की आ गया सर। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड प्लांट हेल्थ क्लिनिक? किस राज्य सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है हाल ही में? त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर, कर्नाटका। आंसर क्या होगा? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स मणिपुर। आपको शायद आइडिया होगा, त्रिपुरा से रिलेटेड एक स्कीम है उतू खेलो उतू पढ़ो, लिटिल स्टडी लिटिल प्ले, उससे रिलेटेड टू मेंटेन द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस लॉकडाउन पीरियड। युवा योगा योजना भी त्रिपुरा से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर हम बात करें कर्नाटका से, कल भी हमने बात की थी रोरो इम्पोर्टेंट है, रोल ऑन रोल ऑफ, ये इस ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। कर्नाटका टू महाराष्ट्र, रोल ऑन रोल ऑफ, ये भी इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते। द वर्ल्ड ओशियन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? इनमें से किस तारीख को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? एंड द आंसर इज, इट्स ऑप्शन, let's have the answer, it's option आपका, what's the answer, it's C, that is 8th of June। आगे बढ़ते हैं। तो 9:40 हो गया guys और अभी भी 340 लोग हैं, we have to cross 500। Who has been appointed as the non-executive chairman of Indian infrastructure company L&T Limited for a period of 3 years? तो L&T के नए non-executive chairman के रूप में किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो इसका आंसर क्या होगा? The answer for this question is absolutely correct guys, it's AM Nayak, आगे बढ़ते हैं। World Environment Day, इस बार मैं पूछ लिया है। World Environment Day is hosted, co-hosted by which other country alongside Germany? Well, the answer is, it's आपका कोलंबिया। Okay, with India, which is the country in the options जिसने जो आपका एक international year of fruit and vegetables है उसको observe किया है, उस country का नाम क्या है? It is Chile। ठीक है। क्वेश्चन 3 बनेगा, इंडिया ने अमेजोनिया सैटेलाइट लॉन्च किसके लिए की है? द अमेजोनिया सैटेलाइट, द आंसर इज आपका ब्राजील, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जो भी सर ने आपसे पूछा भी था, इनमें से कौन सा कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा यूएस गोल्ड सिक्योरिटीज हैं? द आंसर इज, इट्स ऑप्शन ए, दैट इज जापान। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम Report prepared by Zurich-based global innovation mapping and research company Startup Plank. ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी इसका आंसर दिया था. इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक पे मैंने ये रैंकिंग सब कल बताई थी. यूएस, सेकंड रैंक पे यूके, थर्ड रैंक पे इजराइल. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चाइना का रैंक 14th है. मैंने ये भी बताया था कि इसमें जापान का रैंक पहले से कम हुआ और जापान का रैंक अब 21st है. और उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया का रैंक भी 17 से ड्रॉप डाउन हुआ है कितने पे 23rd पे. तो लास्ट ईयर इंडिया का रैंक 17 था लेकिन अब इंडिया का रैंक 23rd है. अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो इकोसिस्टम फर्स्ट रैंक, फर्स्ट स्टार्टअप्स, तो उसका आंसर क्या है गुजरात. ठीक, आगे बढ़ते हैं. Which state occupied top position in the food safety index? Already इसका सर्च कर चुके हैं. The answer is it's option C, that is Gujarat. Options की बात करें तो इनमें से वो कौन सा state है which is the #1 state in terms of the ease of doing business? The answer is आंध्र प्रदेश. उसी रैंकिंग में आपका उत्तर प्रदेश सेकंड पे है. Which of the following state guys is the #1 state in terms of export preparedness? Export preparedness में #1 state कौन सा है? The answer is आपका गुजरात. इनमें से कौन सा state है which is the least literate? Which is the सबसे कम साक्षरता वाला state कौन सा है? The answer of that question is it is Andhra Pradesh. That is absolutely guys the correct answer. और first rank पे केरला. वो तो मतलब बचपन से हमारे बुढ़ापे तक. Which state government has launched Mega Sandesha app that would provide real-time information as well as forecast on rains, flooding and thunderstorm alerts? क्या आंसर होगा इसका? आसान क्वेश्चन है. और इसका अगर हम कहें कि इस ऐप को किसने डेवलप किया तो इस ऐप को डेवलप किया है बेंगलुरु बेस्ड एक इंस्टीट्यूट ने जो इंडिया के रेनाउंड इंस्टीट्यूट में से एक. तो आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बेंगलुरु से कर्नाटका. तो कर्नाटका स्टेट ने इसे लॉन्च किया. सुजल योजना याद रखिए न्यूज में थी रिलेटेड टू उड़ीसा. बलराम योजना याद रखिए रिलेटेड टू उड़ीसा. ये भी इंपॉर्टेंट थी. आगे बढ़ते हैं. Which state government has launched Raj Kaushal portal and online Shramik employment exchange? Well, the answer is it's option A, that is Rajasthan. Naam se hi zahir hai. Basically, it will be for skill mapping and for providing employment. Out of the following, कल एक सर ने सवाल पूछा था जो एग्जाम में आने वाला है. नवीन छत्री योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एग्जाम में मेरे हिसाब से और सर के हिसाब से भी आएगा. वो किस स्टेट का है? उसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज उत्तर प्रदेश. इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिसने अपना एक नया स्टेट लोगो लॉन्च किया है? The answer of that question is it's झारखंड. Absolutely correct. And the last question to everyone guys, इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहां पर ये बहुत ही तड़का एकदम नया सवाल है. हींग कल्टिवेशन इंडिया में पहली बार कहां पर होगा? Which is the state where the हींग cultivation will be started for the very first time? And the answer is absolutely correct. It's Himachal Pradesh. That is absolutely the correct answer. What is the theme of the United Nations World Elder Abuse Awareness Day 2020? World Elder Abuse Awareness Day 2020 की क्या थीम है और ये दिन कब मनाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. तो अगर हम थीम की बात करें, व्हाट विल बी द आंसर? The answer for this question is absolutely correct guys. The answer is lifting up voices is the theme. But the point is sir, इस दिन को कब मनाया जाता है? What will be the answer? This day is observed every year on which date? तो थोड़ा हिंट मैं आपको देता हूँ. इट्स इन जून. एग्जैक्ट डेट बता दीजिए. व्हाट विल बी द आंसर? सर आंसर आ रहे हैं आपके पास? हाँ सर आंसर आ रहे हैं. 15 जून आंसर आ रहा है. फेमस स्पोर्ट्स पर्सन वसंत राय जी हैज पास्ड अवे रिसेंटली. ही वाज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? And the answer is it's cricket. Guys, याद रखिएगा ये important question है because he was the oldest living Ranji Trophy cricketer. Previous years, Steve Waugh and Tendulkar they celebrated his birthday by cutting his cake. बाकी options की बात करें तो मेरे को जल्दी से बताओ अभी हाल ही में हुआ है डेनमार्क ओपन, राइट? डेनमार्क ओपन के मेंस और विमेंस के विनर कौन है? जल्दी बता दीजिएगा, ये बहुत ही नया सवाल है. हु इज द विनर ऑफ द मेंस एंड द विमेंस? बाकी टेनिस तो कल डिटेल में डिस्कस ही कर लिया, तो आज डिस्कस करें बैडमिंटन. मेंस एंड विमेंस के विनर कौन है? एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही. द मेंस विनर गाइस इज, जल्दी बताइए जल्दी से, ओकुहारा. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड हु इज द विमेंस विनर गाइस? यस, आर्दन. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. एंडरसन. यस, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. रणजी ट्रॉफी की बात हुई है तो वसीम जाफर का नाम भी बता दीजिए. Wasim Jafar played 150 matches, the only player who has played 150 Ranji matches, और हाल ही में इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ कोच फॉर द उत्तराखंड टीम. हैज बीन अपॉइंटेड एज who has been appointed as the CEO of UTI Asset Management Company. Asset Management Company, mutual fund company, UTI के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में उस स्थान पर किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? The answer for this question is it's absolutely correct guys. It's I Rahman. It's absolutely correct. PK Mohanty committee appoint की गई थी by RBI for the रेगुलेशन ऑफ द प्राइवेट बैंक्स के रेगुलेशन के लिए, उनके मैनेजमेंट रिलेटेड नॉर्म्स के लिए कमेटी अपॉइंट की गई पीके मोहंती. ऑब्वियसली मैं अभी आपको बता चुका हूँ राजीव तोपनो के बारे में. लियोपुरी किससे रिलेटेड है? लियोपुरी इज रिलेटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ रहा है आपके पास? अभी नहीं आएगा. लियोपुरी का संबंध किससे है? विद व्हिच कंपनी इज ही रिलेटेड गाइस? जल्दी से. पीके मोहंती आ गया. WTO है? WTO नो, इट्स जेपी मॉर्गन. जेपी मॉर्गन इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. क्लियर सर. हु हैज बीन अपॉइंटेड, मतलब सर ये सवाल तो आना चाहिए लोगों को. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पटनास खादी मॉल? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज इज कमिंग आउट, सो आई गेस पीपल हैव अंडरस्टूड. यस, गुरु पंकज त्रिपाठी ये इसके ब्रांड एम्बेसडर. एक सवाल यहाँ पर और आएगा. Apart from Rohit Sharma, which is the latest celebrity to join Adidas? Yes, the answer is it's Manashu Chillar, Miss World. She is the latest to join Adidas. Rohit Sharma की बात करें तो Rohit Sharma has been made the brand ambassador of which of the following? उसका आंसर है आपका Oakley. Similarly, सर ने लिख भी दिया है सोनू सूद Acer India के आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं. That is absolutely the correct answer. और बाकी स्मृति मंदाना भी आपकी जो है she is the brand ambassador guys, alongside Vinesh Kumar of an app. A cricket-based app called as Players Spot. उसकी वो आपके brand ambassador हैं. आगे बढ़ते हैं. Which state government has launched बाल श्रमिक विद्या योजना to educate child labor in the state? तो ये बात हमने अभी की. स्टेट ने 1000 रुपए फॉर दी बॉयज, 1200 रुपीज फॉर दी गर्ल्स, 6000 रुपीज ऑन पासिंग दी 8th, 9th and 10th स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू बूस्ट अप दी education in the youth as well as in order to overcome the problem related to child labor. तो उसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश. यहाँ पे मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा. अगर हम बात करें नेशनल एंटी चाइल्ड लेबर डे की, मैंने तब बोला 12th of August, वो गलत है. नेशनल एंटी चाइल्ड लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th of April. मैं कंफ्यूज हो गया. मैं कुछ और बताना चाह रहा था और कुछ और बता गया. 12th जनवरी पे ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा था आंसर को कि वहां लेके जाऊंगा यूथ डे. मत भूलिएगा हम लोगों को कि आपने गलत पढ़ा दिया. भाई आप लोग ऑब्जर्व करिए 30th अप्रैल इज द डेट. प्लीज एवरीवन रेक्टिफाई इट. ऑलराइट, ये जरा कंप्लीट लेबर डे इट्स 30th ऑफ अप्रैल. ध्यान रखिएगा 12th ऑफ अगस्त नहीं है. 12th ऑफ जनवरी इज नेशनल यूथ डे. क्या Veteran poet and freedom fighter Anand Mohan Zuchi has passed away. He was a poet of which of the following languages? इनमें से किस लैंग्वेज के, किस भाषा में आपके वयोवृद्ध कवि और सेनानी आनंद मोहन जुच्छी लिखते थे? बिल्कुल सही, उर्दू में लिखते थे. जो भारत की पहली उर्दू मैगजीन थी उसके एडिटर भी आपके श्रीमान आनंद मोहन जुच्छी ही थे. आगे बढ़ते हैं. International Day of Family Remittances is observed every year on which date by the United Nations? यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें उसके द्वारा इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता. इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस इंडिया की एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं, सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज कह सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल रेमिटेंस है. इसका आंसर क्या होगा? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट्स 16th of June. हाल ही में एक रिपोर्ट आई है ऑन द माइग्रेशन. तो इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन इंडेक्स व्हिच स्टेट इज ऑन द फर्स्ट रैंक रिलेटेड टू द OECD ग्रुप ऑफ नेशंस में सबसे ज्यादा माइग्रेशंस कौन सी कंट्री से हैं, सबसे ज्यादा परमानेंट रेजिडेंट्स कौन सी कंट्री के बने हैं? तो फर्स्ट रैंक पे चाइना है. और इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया इज ऑन दी सेकंड रैंक इन दीज नेशंस जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है. याद रखिएगा ये डेवलप्ड नेशंस की का ग्रुप है जिसके मेंबर कंट्रीज कितनी है? 37. इसके लेटेस्ट मेंबर का नाम भी बता दीजिए. हु इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ OECD के लेटेस्ट मेंबर कौन है? जल्दी बताइएगा एवरीवन. 36 मेंबर्स थे, लेटेस्ट एक मेंबर ऐड ऑन हुआ. And what is the answer? अच्छी बातें आज पढ़े सर, आप कल ही पढ़ते। अच्छा बता दो भाई, आज पढ़े थे कल पढ़े थे? नहीं, निकार का हुआ तो सब आंसर बता दीजिए आप, बिकॉज एवरीवन इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। The answer is निकार का हुआ। कंफ्यूज इसलिए आप हो गए कई लोग, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि यार ये तो आईएसए का है, तो आईएसए का तो है ही 87 मेंबर, इसका भी आपका मेंबर बना है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ें। अच्छा अब गाइस आगे बढ़ने से पहले यार 350 लोग देख रहे हैं इस सेशन को। पहली बात तो सब लोग जरा शेयर करो और एक बार जरा सब लोग कमेंट कर दो शेयर जल्दी से एवरीवन। इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज। 2 ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज अक्रॉस द नेशन आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेकिंग आउट टाइम। हम दोनों लोग 9 बजे रात में आपके पास हैं, खाना पीना छोड़ के आपको पढ़ा रहे हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज एवरीवन कॉपी द लिंक एंड शेयर, नंबर 1 एंड नंबर 2। वाह सर वाह, एक चीज सर यहाँ पे करेक्ट कर रहे थे, ये आईएसए का लेटेस्ट मेंबर है और कोलंबिया इज ए मेंबर ऑफ, हां इज ए मेंबर ऑफ 37th मेंबर ऑफ ओईसीडी। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिए। आपका वर्ड सुना आईएसए, मैंने वो टाइप वो लिख दिया, मैं ये भूल गया कि मैंने क्वेश्चन ओईसीडी पूछा था, तो मैं आपके रुकने का ही वेट कर रहा था। 37th मेंबर कोलंबिया और इसका मेंबर है लेटेस्ट मेंबर आईएसए का, दैट इज निको। हां वैष्णवी आप सही हो। हां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इंस्टा फ्लेक्सी कैश फॉर इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर्स? निम्न में से किस बैंक ने अपने वेतन खाता ग्राहकों के लिए एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश की शुरुआत की है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और इज इट यस बैंक? And the answer of that particular question is it's option A, that is it is the ICICI Bank. That's absolutely correct. जल्दी से बताइएगा, ICICI Bank जो है उसने एक FD scheme launch की है for senior citizen. What is the name of that particular scheme? Absolutely correct. It's golden years FD. HDFC Bank ने armed forces के लिए एक scheme launch की है. What is the name of the armed forces scheme launched by HDFC Bank? That is KGC Shaurya. Absolutely correct. Axis Bank has launched a POS solution with companies like Mastercard. What is that name, guys? The answer is it's Soft POS. IndusInd Bank has launched. Who is the MD CEO of IndusInd Bank? Recent में the answer is Sumant Katpalia. And Yes Bank ने दोस्तों अभी हाल ही में it has invested what percent in the DTH? कितना invest किया है डिश टीवी में? The answer is 24.19%. Indus Corporate for the current account, ये भी ऐड कर सकते हैं. Has authored the book title Nauroji, Pioneer of Indian Nationalism, the biography of Dada Bhai Nauroji. तो दादा भाई नौरोजी की बायोग्राफी लिखी गई है हाल ही में। एक हिस्टोरियन है, असिस्टेंट प्रोफेसर है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। क्या नाम है उनका? The answer for this question is it's absolutely correct guys. It's Dinyar Patel. तो दिन्यार पटेल ने हाल ही में बायोग्राफी लिखी है, उन जीवन के बारे में लिखा, जीवन शैली लिखी है नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी की। who is also known as the great old man of India. He was the first one जिन्होंने नेशनल इनकम टर्म के बारे में बात की. He was the first one जिन्होंने पॉवर्टी लाइन के बारे में बात की. He was the one who has written the book Poverty and Un-British Rule in India. Which country has announced Jet Zero plan to drive down aviation emissions and to make carbon-free transatlantic flights possible? किस देश ने विमानन उत्सर्जन को कम करने और कार्बन मुक्त ट्रांसअटलांटिक उड़ानों को संभव बनाने हेतु जेट जीरो योजना की घोषणा की है? एंड द आंसर इज इट्स यूके में सवाल पहला बनेगा, बाय व्हिच ईयर द हुआवी इक्विपमेंट्स विल बी टेकन आउट फ्रॉम द टेलीकॉम ऑपरेटर्स? द आंसर इज 2027. व्हिच समिट डिड यूके होस्ट रिसेंटली? द आंसर इज आपका गावी समिट. इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग समिट. बोथ ऑफ दीज समिट्स वर होस्टेड बाय द यूके. क्वेश्चन 3 बनेगा यहाँ पर, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन व्हिच इज द कंट्री गाइस व्हिच हैज स्टॉप्ड फंडिंग टू नेपाल? एंड द आंसर विल बी इट इज जर्मनी. जर्मनी ने जो फंडिंग है वो आपकी नेपाल में जो है वो कैंसिल कर दी है. उसका आंसर बनेगा आपका दोस्तों जर्मनी आपका होस्ट भी था एनवायरमेंट समिट का और वो सेंट पीटर्सबर्ग समिट का भी आपका होस्ट था. ये जेट जीरो बाय 2050 और नेपाल में प्राइवेट न्यूज चैनल जितने भी इंडिया के प्राइवेट न्यूज चैनल्स हैं उन सबको बैन कर दिया. अब सिर्फ वहाँ डीडी दूरदर्शन जो है उसी को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा. यहाँ पर जेट जीरो की जो सर ने बात की उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि ये टारगेट अब ईयू का भी है. ईयू इज ऑल्सो टारगेटिंग कि वो 2050 तक करे. अर्ली टारगेट 2030 का है बट दे आर ट्राइंग टू डू इट बाय 2050 एज वेल. ठीक है, याद रखिएगा। Who has taken charge as Chief of Staff of Eastern Naval Command? Eastern Naval Command के Chief of Staff का चार्ज किसने लिया हाल ही में? तो what will be the answer? The answer for this question is guys, the answer for this question is Vice Admiral Biswajit Das Gupta। आगे बढ़े। Which state government has set up a labor commission to ensure social and economic security for migrant workers? किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक श्रम आयोग की स्थापना की है? And the answer of this question is it's option. Let's have the answer. The answer is it's Uttam Pradesh, सर्वोत्तम प्रदेश, that is उत्तर प्रदेश। मेरा प्रदेश है तो मैं बोल सकता हूँ, है नहीं वैसे रियलिटी में, पर हाँ उत्तर प्रदेश इज एब्सोल्युटली गाइस द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे है, अभी बिहार में चुनाव है, बिहार में कौन सी एक ब्रॉडबैंड स्कीम लॉन्च की है मोदी जी ने? वाह वाह सर वाह, हाँ आंसर है आपका घर तक फाइबर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा आपसे बनेगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा वो स्टेट है जिस स्टेट के अंदर बैरन लैंड को कन्वर्ट करने में इनटू एग्रीकल्चरल और सोलर लैंड एक स्कीम लॉन्च की गई, उस स्टेट का नाम क्या है? द आंसर इज इट्स वेस्ट बंगाल। एंड क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, इनमें से वो कौन सा स्टेट है विच इज द फर्स्ट स्टेट वेयर वी हैव अ स्कीम विच विल ऑफर वेयर यू कैन फाइल FIR डायरेक्टली फ्रॉम योर हाउसेस, FIR आपके द्वार, उसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। सर घर तक फाइबर में एक चीज ऐड कर लो, इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट के स्टेट ने अनाउंस किया। सर पहले बताने दीजिए उनको, हाँ बताने दीजिए, इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट किसने की है? बहुत अच्छा सवाल है ये, एंड ये एक अच्छा सवाल है एग्जाम के लिए। हाँ केरला, बिल्कुल सही। और केरला में एक चीज और ऐड कर दीजिएगा कि पब्लिक एजुकेशन में भी डिजिटल हो गए हैं अब ये कंप्लीटली। What is the theme of the World Day to combat desertification and drought 2020 observed every year on 17th of June? तो हर साल 17th of June को इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है रिलेटेड टू डेजर्टिफिकेशन। तो इस डे की थीम क्या थी? और हाल ही में इंडिया में COP14 रिलेटेड टू डेजर्टिफिकेशन भी ऑर्गेनाइज किया गया था, 2019 की न्यूज है। वो किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था वो भी बताइए, विच सिटी होस्टेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 रिलेटेड टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। और इस क्वेश्चन की थीम क्या है? The answer for this question is it's absolutely correct, food, feed, fiber, the link between consumption and land। क्वेश्चन आ रहा है कि सर हु इज दी, क्वेश्चन आ रहा है नेम द सिटी वेयर COP14 वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज न्यू दिल्ली, द आंसर इज न्यू दिल्ली। और COP13 रिलेटेड टू माइग्रेटरी स्पीशीज, तो उसका आंसर क्या होगा? दैट विल बी गांधीनगर, गुजरात। Which organization has won the Biodiversity Award 2020 of Prince Albert II of Monaco Foundation? किस संगठन ने मोनाको फाउंडेशन के राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय का जैव विविधता पुरस्कार जीता है? इसका आंसर जो है that is, let's have the answer, it is option B, Deccan Development Society, that is the DDS। ये सवाल थोड़ा टिपिकल है पर आ सकता है एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। Which state government has launched Karmabhoomi, a job portal to help IT professionals who have lost their jobs after outbreak of COVID-19 and return to the state? So Karmabhoomi किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया जॉब पोर्टल है? जैसे कि अगर हम बात करें रोजगार बाजार दिल्ली का है, तो वैसे ही अगर हम बात करें कर्मभूमि, तो इट हैज बीन लॉन्च बाय व्हिच स्टेट? तो इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज वेस्ट बंगाल। यहाँ पे क्वेश्चन और आ सकता है, गूगल ने इंडिया के लिए, इंडिया में कौन सी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट? उसका क्या आंसर है? इंडिया इज नॉट द फर्स्ट स्टेट टू हैव दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इंडिया से पहले इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया से भी पहले बांग्लादेश है। सो बांग्लादेश में पहली बार इसे लॉन्च किया गया, सेकेंड टाइम इसे सेकेंड से कंट्री जिसमें इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया इंडोनेशिया, और थर्ड कंट्री इंडिया है। और उस एप्लीकेशन का क्या नाम है? मे आई हैव द आंसर्स प्लीज? सर आंसर्स आ रहे हैं? हाँ सर आंसर्स आ रहे हैं। यहाँ पर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कई लोग लिख रहे हैं कोरमो ऐप, यस कई लोग ये लिख रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। चलें सर आगे। Which has become the top state in India to provide employment to the workers under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme? मनरेगा में कौन सा वो स्टेट है जो टॉप का स्टेट बना है इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट? यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट आएगा, यहाँ आंसर दिखा दीजिए सर। यहाँ जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ पहले था। यही मैं आपसे कहता हूँ, प्लीज गाइज बी अपडेटेड, स्टे अपडेटेड एंड वॉच ग्रेड अप, आपको सब कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज उत्तर प्रदेश. पहले इट वॉज छत्तीसगढ़ गाइस. अब यहाँ मनरेगा का सवाल आएगा, व्हाट इज द पर डे फेयर जो कि आपका बढ़ा है, कितना पैसा पर डे आपका बढ़ाया जाएगा. सॉरी मत कहो यार, चलता है फर्स्ट. एंड सेकेंड क्वेश्चन, कितने करोड़ डेज, मैन डेज आपके ऐड किए गए हैं मनरेगा के अंदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. एंड क्वेश्चन नंबर 3, किस मिशन को ऐड किया गया है आपका मनरेगा के अंदर. हाँ बिल्कुल सही, 202 रुपीज है, पहले आपका 182 था. एंड 310 वर्किंग करोड़ वर्क डेज है, 300 नहीं होगा, 310 होगा. एंड आपका साथ में क्या है, आपका मिशन कौन सा है, जल जीवन मिशन. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. जी, अकॉर्डिंग टू UNCTAD वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020, the global foreign direct investment flows are forecast to decrease by up to what percent in 2020? 2020 में कितने परसेंट गिरावट आने की उम्मीद है ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में? यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करूंगा कि सर इंडिया में पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री से आई है, तो उसका आंसर क्या होगा, सिंगापुर. और अगर मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊँ तो कितना परसेंट गिरावट आने की उम्मीद है, तो इसका आंसर क्या होगा. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स 40%. It's 40%. I Am Vijayan has been recommended for the 4th highest civilian award in India, the Padma Shri. It is associated with which sport? भारत में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री के लिए I Am Vijayan की सिफारिश की गई है, वह इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, or is it basketball? And the answer of this question is, it's option B, that is football. Football is absolutely the correct answer. बिल्कुल सही जवाब है. I Am Vijayan इनका दोस्तों नाम है. आगे बढ़. हाँ सर, बड़े आगे. Sustainable Gastronomy Day is observed globally every year on which date? Sustainable Gastronomy Day बहुत important हो जाता है, just because of Sustainable Development Goal, 17 goals, 169 targets. तो इससे related कोई वर्ड आ रहा है सस्टेनेबल, आज की डेट में हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी की डिमांड है सस्टेनेबिलिटी, तो उससे रिलेटेड ये डे मनाया जाता है. सस्टेनेबल वर्ड आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, इट्स 18th ऑफ जून. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स 18th ऑफ जून. 21st ऑफ जून को क्या ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे, याद रखिएगा, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Who has authored the book titled Clara and the Sun? इनमें से किसने लिखी है किताब क्लारा एंड द सन? एंड द आंसर इज, let's have the answer. The answer is, it's option B. It is Kazuo Ishiguro. आगे बढ़ते हैं सर. It's 10 PM हो गए हैं सर. International Day for Elimination of Sexual Violence in Conflict is observed globally every year on which date? जल्दी बताओ यार, जल्दी, quickly guys, everyone. The answer for this question is absolutely correct, guys. It's 19th of June. So थोड़ा तेज करते हैं. हाँ. Kubotbek Boronov has been appointed as the prime minister of which country? किस कंट्री के आपके बने हैं ये प्रधानमंत्री? And the answer of this question is, let's have the answer. It's option A, Kyrgyzstan. इसको लेकर अभी काफी इशू भी आपको मचा है. इसमें एक और सवाल बनेगा. Which of the following country has been added as the observer of the WTO? The answer is, it's Turkmenistan. आगे बढ़ते हैं. तेज कर दिया गाइस हमने, फटाफट आंसर करो. Who has authored the book titled A Burning? A Burning नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? The answer for this question is, it's absolutely correct. It's Megha Majumdar. तो मजूमदार से रिलेटेड याद रखिएगा, मजूमदार टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है, इससे रिलेटेड तीन चीजें न्यूज में है, तो मेघा मजूमदार भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस आपका कब मनाया जाता है? इसका आंसर बहुत ही आसान है गाइस, इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी. लेट्स हैव द आंसर. 21st ऑफ जून. इस दिन आपका क्या होता है? इंटरनेशनल योगा डे होता है. योगा डे पे सवाल बनता है, जैसे कि वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन था, जैसे कि लेह इसका मेन सिटी था. इसी दिन आपका थर्ड कौन सा डे होता है? दो दिन तो बता दिया आपने, थर्ड डे कौन सा होता है? योगा डे भी तो है, थर्ड डे कौन सा, जल्दी बताइएगा. बिल्कुल सही, म्यूजिक डे सर. आगे बढ़ते हैं. अरे World Music Day is observed every year on which date? The answer is 21st June. So World Music Day, Hydrography Day, International Yoga Day, तीनों हो गए. अब अगर इससे क्वेश्चन आया तो आप गलत नहीं करेंगे, ऐसा हम मान सकते हैं. What is the theme of the International Yoga Day for 2020? सर मुझे लग रहा है कंटेंट अच्छा बना है कि हम लोग को बताने जरूरत है नहीं. There are two good questions. Yes, and the answer of this question is, it's option. Let's have the answer. It's option B. Yoga for health. योगा एट होम, ये इसका दूसरा प्रश्न है. आगे बढ़ते हैं. Who has been appointed as the chairman of National Institute of Public Finance and Policy? He is the same one who has written the book Overdraft, Saving the Indian Saver. तो शायद इससे आप गेस कर पाए तो इनका आंसर क्या होगा. ही इज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई. तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, उर्जित पटेल, डॉक्टर उर्जित पटेल. इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. Which state government has decided to start एक टू खेलो एक टू पढ़ो? अभी डिस्कस कर चुके हैं हम. Meaning play little study little scheme, and the answer is, let's have the answer, it's option C, that is त्रिपुरा. त्रिपुरा में स्कीम है और जो सर ने बताया था युवा युग, वो भी स्कीम है जिसमें 5,000 रुपए का आपका एक मोबाइल फोन के लिए आपको पैसा जो है वो दिया जाएगा. उड़ीसा न्यूज में है फॉर अमृत स्कीम. आगे बढ़िए सर, जल्दी करते हैं. The United Nations Public Service Day is observed globally every year on which date? जो लोग कल वाली क्लास में प्रेजेंट थे वो ये आंसर कर पाएंगे. जल्दी आंसर करो यार, देखो रेगुलर रहना है भाई, ऐसे नहीं चल पाएगा. कल मैंने यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड 2 डेज बताए थे. पीस कीपर्स में मैंने इसको ऐड किया था, मैंने उसमें पीस कीपर्स ये तो बताया था, उसमें ये डे भी बताया था. तो जो लोग कल प्रेजेंट थे वो इस क्वेश्चन को फॉर श्योर आंसर कर पाएंगे. आंसर क्या है? 23rd of June. एब्सोल्युटली करेक्ट. दुर्गा पूजा का टाइम है और आपको रेगुलर रहना है वरना इनो चोलवे. Who has been appointed as the new CEO of Professional Risk Managers International Association of its New India office? कौन है आपके CEO of PRMI? And the answer is let's have the answer, it's option B, that is निराकार प्रधान. आगे बढ़ते हैं. यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लो, क्रेडिट रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना होगा हर एक CIC को, लेकिन कब? जब उसकी एसेट वैल्यू किससे ज्यादा. व्हाट विल बी द आंसर? अगर CIC की एसेट वैल्यू, कहती है CIC फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये बता दो ये लोग, क्योंकि भी एग्जाम में आ सकता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIC? मोहित जी ने पूछ लिया, मतलब हमने आपसे पूछा, जल्दी बताओ भाई. हां देखो सर, आपका आंसर तो आगे 500 करोड़ ठीक है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIC? यस, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, बिल्कुल सही, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. चलिए, which Maharatna company has entered into the partnership with Niti Ayog's flagship initiative Atal Innovation Mission to actively support the key innovation and entrepreneurship initiatives across India? तो नीति आयोग के साथ अटल इनोवेशन मिशन के लिए किस महारत्न ने टाई अप किया है? तो उसका आंसर क्या होगा? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, इट्स कोल इंडिया लिमिटेड. कोल इंडिया लिमिटेड. याद रखिए इंडिया में कुल 10 महारत्न है, उनमें से एक महारत्न है दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है. Who has been selected for the 2020 Peace Prize of the German Book Fair? किसको ये सम्मान मिला है? आसान सवाल है, आंसर लिख दीजिए ऑप्शन C, that is Mr. Amartya Kumar Sen. He is a Nobel laureate. He won the Nobel Prize in Economics in 1998. आगे बढ़ते हैं. Who has authored the book Legend of Suhel Dev, The King Who Saved India? बात अभी सर ने बताई थी, अभी सर इसका आंसर दे चुके हैं. Let's see who all can give me the answers. आगे Amish, this question is absolutely correct. It's Amish Tripathi. He is the architecture of London Hall. उससे भी related है, तो याद रखिएगा. Next question. Which country has decided to join the multilateral arms trade treaty? इनमें से किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि में पार्टिसिपेट किया है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन B, that is China. इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना एंटर कर रहा है और USA आपका जो है उससे एग्जिट कर रहा है. एक अच्छी बात है हमारे लिए और अच्छी बात है एग्जाम के लिए भी. Which of the following countries has been retained in the FATF list? आंसर है आपका पाकिस्तान. And the last question, Anasis 2 को इनमें से SpaceX के जरिए किसने लॉन्च कराया है? The answer of that question is it's South Korea. Famous sports person K Raghunath passed away recently. He was associated with which sports? K Raghunath का हाल ही में देहांत हुआ, वो कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड थे? क्या आंसर होगा इसका? The answer for this question is absolutely correct, guys. It's basketball. It's basketball. Which bank has launched a new product KBL Micro Mitra for micro, small and medium enterprises? And the answer of this question is it's option B, that is Karnataka Bank. यहाँ पर कुछ सवाल बनेंगे. सवाल पहला बनेगा, Ramesh Babu Bodhu is the MD CEO of which bank? The answer is it's Karur Vaysya Bank. Absolutely correct. हाँ आगे बढ़ सकते हैं सर. Additional director पूछ लो सर, Karnataka Bank के नए अपॉइंट हुए. टिपिकल सवाल है, इसका आंसर दीजिएगा. Who is the Additional Director of Karnataka Bank? जल्दी से हाल ही में आरबीआई द्वारा अपॉइंट किए गए. व्हाट इज द नेम? मुश्किल लग रहा था मुझे इसका आंसर दे पाएंगे. उषा पाढ़े। चलिए आगे बढ़े सर। Mount Merapi, an active volcano, erupted twice in June 2020, is in which country? इस country को land of active volcanoes भी कहा जाता है। Merapi mountain, Merapi word का मतलब ही है a mountain of fire। तो ये कहाँ eruption हुई इसकी? सर इसकी eruption हुई 2 बार इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में 100% एक्टिव, 100 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज है इंडोनेशिया में। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। As a commemoration of the 6th International Yoga Day, the world's first yoga university outside India was launched in which city of the US? Well, the answer is, let's have the answer. It is option C, that is Los Angeles में आपका ये बना। आगे बढ़ते हैं। Traditional New Year festival, Ashadi Bich, celebrated in which state? जल्दी guys। Ashadi Bich जो कि एक traditional New Year festival है जिसे celebrate किया गया किस state द्वारा? इसका आंसर क्या होगा? The answer for this question is absolutely correct, guys. It's Gujarat. The answer is absolutely correct. It's Gujarat. As per the data released by the U.S. Treasury Department, what is India's position as a holder of U.S. government security? जैसे मैंने डिस्कस किया था, Japan is number 1. Then what is India's position? The answer is, let's have the answer. It is India is guys first, Japan है. India is guys at the 12th position. Let's proceed. First Japan, second China, और अगर हम third पे बात करें South Korea, sorry UK, first China, Japan, China, then UK, and 12th is India. What is the theme of the day of the seafarer 2020 celebrated every year on 25th of June? COVID-19 के दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें छुट्टी नहीं दी गई, उन्हें कोर्स पे आने ही नहीं दिया गया. They were allowed to work on, they were allowed to do the work for next, or their job was extended for 3 months. तो इसकी theme क्या है? It's very important. Seafarers are the key workers. Seafarers are we are talking about the sailors, so this is very important related to the COVID-19 pandemic. What is the theme of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking observed every year on 26th of June? 26 जून को observe होता है, इसका theme क्या है? And इसका theme देख लीजिए, इसका theme है आपका, let's have the answer, better knowledge for better care, BKBC. ऐसे याद कर लेना आप, BKBC से आपको ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया, quickly hit the like button please. सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर तो आप कर नहीं रहे हैं, एटलीस्ट लाइक तो कर दीजिए। सर आप बोल दो सर एक बार, मैं बोलता था आप बोल चुका हूं। आई एम नॉट गेटिंग दैट रिस्पांस। जिन लोगों ने सेशन को शेयर किया जल्दी से लिखो यस सर, यस सर, यस सर। देखो नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी माफ नहीं करेगी, सच बोलना। अगर शेयर किया तो राइट डाउन यस सर, यस सर, यस सर। और जिन्होंने अब तक लाइक भी नहीं किया, जस्ट हिट द लाइक बटन क्विकली। लाइक सर कर दिया सर, हम लोगों के बोलने पे 380 316 से हो गए 416 लाइक्स। Sure. That is good. International Day in Support of Victims of Torture is observed every year on which date? क्या आंसर होगा? Victims of Torture हर साल इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, इन द सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। इसे मनाया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है एज अ अवेयरनेस डे ऑन 26th of June. Wicketkeeper batsman Rachel Priest of which country has announced her retirement from international cricket? किस पर्टिकुलर आपके स्पोर्ट, किस कंट्री से रिटायरमेंट लिया है इन्होंने? एंड लेट्स हैव द आंसर, द आंसर इज इट्स ऑप्शन सी, दैट इज न्यूजीलैंड। यहीं से आपके जॉन रीड थे जिन्होंने अभी हाल ही में who has passed away. Next question. Which state's पंचायती राज डिपार्टमेंट won the first prize under E पंचायत पुरस्कार? ये पुरस्कार दिया गया बिकॉज दैट स्टेट इज, एवरी पंचायत ऑफ स्टेट इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट सर्विसेज, ताकि जो आपके बेसिक रजिस्ट्रेशंस है जैसे कि फैमिली रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन या डेथ रजिस्ट्रेशन, वो आप अपनी पंचायत लेवल पे ही कर सकते हैं, तहसील जाने की जरूरत नहीं है। तो उसका आंसर क्या है? इट्स दिल्ली स्टेट, हिमालयन स्टेट, एंड द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। व्हिच ऑफ सर आगे बढ़ जाइए, आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज पाकिस्तान। आगे बढ़ जाइए सर। इसमें एक चीज बता दीजिए, पहले बात हुई थी कि इस बार जो लेटेस्ट सितंबर में मीट होने वाला था कि शायद इसे ब्लैक लिस्ट करेंगे, लेकिन नहीं किया गया, अभी भी ग्रे में ही मेंटेन किया गया। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री पुष्टि उपहार स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन? तो मुख्यमंत्री मटरू पुष्टि उपहार स्कीम की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो इसका क्या आंसर होगा? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस। What is the theme of the National Statistics Day celebrated every year on 29th of June and on the birth anniversary of a great statistician पीसी महालनोपिस, ये किस दिन आप इसका थीम क्या है जो कि हर साल 9 जून को आपका होता है। गाइस, ही वाज द फाउंडर ऑफ द ISI, नॉट द ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि आपका कोलकाता में है। यस, द आंसर इज गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग एंड जेंडर इक्वालिटी। बिल्कुल सही। Which Indian institution secured their rank in the top 100 in the Young University Ranking 2020 released by the Times Higher Education? दो इंडियन इंस्टीट्यूट जिन्होंने अपना रैंक सिक्योर किया है इन टॉप 100 इन द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जिसे टाइम्स ग्रुप द्वारा दिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज IIT रोपड़ एंड IIT इंदौर। IIT इंदौर, इंदौर की बात करेंगे तो हम सब जानते हैं विद द पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख, दिस इज ऑन द फर्स्ट रैंक फॉर द फोर्थ टाइम इन टर्म्स ऑफ क्लीनेस्ट सिटी, और इसी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में सबसे आखिरी रैंक पे कौन सी सिटी है? एंड दैट्स पटना। PhonePe has partnered with which bank on the unified payment interface multi-bank model to provide its users the option to create and use multiple UPIDs? PhonePe ने इनमें से किस बैंक के साथ साझेदारी की है ताकि अपने उपयोगकर्ताओं को UPI ID के बनाने पर मल्टीपल विकल्प यूज कर सकते हैं? एंड द आंसर इज इट्स ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दैट इज द ICICI बैंक। आगे बढ़ते हैं। टाइप पहले यस बैंक के साथ था, लेकिन जब यस बैंक के साथ इश्यूज हुए उस वजह से PhonePe के ट्रांजैक्शंस 24 आवर्स तक बंद रहे, इसी वजह से उन्होंने एक और टाई अप कर लिया ICICI के साथ। व्हिच बैंक हैज अप्रूव्ड $500 million टू बिल्ड रोड कनेक्टिविटी अलोंग जयशोर जेनादय कॉरिडोर डायरेक्टली कनेक्टिंग ढाका इन बांग्लादेश विद इंडिया एंड भूटान? तो इंडिया, भूटान, बांग्लादेश को बाय रोड कनेक्टिविटी के लिए $500 million अनाउंस किए गए हैं for the development of this particular road. तो उसका आंसर क्या होगा? The answer for this question is absolutely correct. It's World Bank. The answer is absolutely correct. It's World Bank. The UN International Day of Parliamentarism is observed globally every year on which date? इनमें से किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस मनाया जाता है? And the answer of this question is it's option E. That is the 30th of June. बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। IAS Winnie Mahajan becomes first women chief secretary of which state? Winnie Mahajan को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, किस राज्य की? तो उसका आंसर क्या होगा? The answer for this question is पंजाब। ये कि इनके जो हस्बैंड है वो वहाँ पे डीजीपी हैं। और मैं बता किसको रहा हूँ सर, आपको तो पता होगा। मैं आपके रुकने की वेट कर रहा था, मैं ये बोलने वाला था कि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस नहीं, ब्यूरोक्रेट्स ने भी कैप्चर किया हुआ पूरे स्टेट को। आगे बढ़ते हैं। Name the Indian empire who has been inducted into the International Cricket Council's elite panel of empires. उस भारतीय एम्पायर का नाम बताएं जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। And the answer of the question is, let's have the answer. It's option A. That is Nitin Menon. बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं। M. Martin has been elected as the new prime minister of which country? M. Martin को किस राज्य के, किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो उसका आंसर क्या होगा? The answer for this question is absolutely correct. It's Ireland. It's Ireland. It's Northern Ireland, Dublin, Euro. Don't confuse it with the island which is under UK, जिसकी कैपिटल कार्डिफ है। आगे बढ़ते हैं। Which state government has launched at one click initiative for MSMEs and other bigger industries? इनमें से किस राज्य सरकार ने at one click पहल की शुरुआत की है? And let's have the answer. The answer of this question is it's option C. That is आपका गुजरात। आते हैं हमारे आज के last question पे सर। What was the theme of 36th ASEAN Summit Association of Southeast Asian Nation 10 members held via video conference under the chairmanship of वियतनाम, जो कि हमने आपको कल बताया था। तो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर्टिकुलर समिट को हेड किया। इसकी थीम क्या थी? तो वियतनाम इज द हेड फॉर एशियन, चेयरमैनशिप वियतनाम के पास है फॉर 2020, और हाल ही में 36 एशियन समिट को ऑर्गेनाइज किया गया और इसकी थीम क्या थी? द थीम वाज द ऑप्शन दैट इज कोहेसिव एंड रिस्पांसिव एशिया। सो विद दिस वील कम टू एन एंड। सर आगे बढ़ते हैं। And with this we'll come to an end. There is a batch coming up, foundation batch. वैसे तो ये batch है, पर we are having the subscription plan guys, grade up super, जिसको आप लेंगे तो मेरे classes और master classes आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा all the leading faculties of our country वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। आगे बढ़ें सर। IBPS PO Main 2020 crash course, जैसा कि हम सब जानते हैं पीओ के फॉर्म्स दोबारा से रिफिल हो रहे हैं जितना मुझे सुनने में आया। अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये बैच आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें जीए भी कवर किया जाएगा, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पॉइंट वही है कि अब बार बार कोई भी नया बैच खरीदने के लिए हर बार पे करने की जरूरत नहीं है, एक बार बस सब्सक्राइब कीजिए फॉर 12 मंथ्स 24 मंथ्स, ताकि आप जितने भी हमारे अपकमिंग बैचेस हैं उन सब में एनरोल करके जो हम कह सकते हैं फैबुलस फैकल्टी मेंबर्स हैं पूरे इंडिया में, उनसे आप पढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे ग्रेड अप सुपर के कोर्सेज के, क्या क्या फीचर्स रहेंगे, स्ट्रक्चर लाइव कोर्सेज एंड ऑल, और उसके साथ साथ ये हमारा शेड्यूल है, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, पर जो एसबीआई क्लर्क मेंस तैयारी कर रहे हैं मैं आपसे कहूंगा आप 9 PM पे तो आना है आपको। आज भी 380 लोग ने देखा है, वी हैव टू क्रॉस 500 टुमारो। एक बार जरा सब लोग कमेंट कर दो आई शपथ, बिकॉज गाइज टुमारो वी हैव टू क्रैक 500। ऑलराइट एवरीवन प्लीज कमेंट, ऑलराइट एवरीवन गाइज 500 का लाइव व्यूअर्स हमें चाहिए। एंड आगे बढ़ते हैं सर, बाकी ये हाँ आगे बढ़ते हैं, बाकी ये आपके पैकेजेस हैं, इनको आप अवेल कर सकते हैं। एंड सर लास्ट कमेंट्स। लास्ट मैं तो फिर यही कहूंगा जो आपने अभी कहा कि कल 500 क्रॉस होने चाहिए। हाँ, क्योंकि यार हम सेशन ले रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं, 100 क्वेश्चंस रोज कवर कर रहे हैं, टोटल 1000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे टिल एग्जाम। मुझे लगता है इससे बेटर कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर 500 से ज्यादा व्यूअर्स नहीं होते तो फिर कहीं ना कहीं। सर एक सवाल आपके लिए है, रूबीना मैम पूछ रही कल कौन सा मंथ होगा? कल जुलाई होगा। कल जुलाई के बाद क्या आएगा वही आएगा, वो जुलाई होगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, प्रेप स्मार्ट, गो बेटर, गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।